जय श्री राम। प्यारे भक्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो समझ लीजिए भगवान आपके दुखों को, आपकी परेशानियों का निवारण करने वाले हैं। जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक मिलेगी। प्रेमी भक्तों, इस संसार में हर मनुष्य परेशान है, दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, पूर्णतः सुखी संसार में कोई भी नहीं है। तो प्यारे भक्तों, भगवान कुछ संकेत देते हैं हमें, जब हमारे दुखों का निवारण होने वाला होता है, हमारे दुख कम होने वाले होते हैं, तो वो कौन से संकेत हैं उनको समझना अति आवश्यक है, ताकि आपको कुछ तसल्ली मिले कि हाँ, अब समय आ गया है और हमारे दुख दूर होने वाले हैं, हमारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं। प्रेमी भक्तों, भगवान ही कर सकते हैं ये काम। आप ये मत समझना कि ऐसे ही हमें ये संकेत मिल गया, क्योंकि जब वो कृपा करता है, वो खुश होता है, तो ऐसा संकेत आपको पहले वो जरिया बनाता है, फिर उसको ख़त्म करता है दुख को। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते, वो किसी को भेजते हैं। अपने ऊपर भगवान कोई भी बड़ाई प्रशंसा नहीं लेते, वो भगवान करवाते हैं दूसरों से। तो प्रेमी भक्तों, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए भगवान की कृपा से, कि जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, जिसमें सात्विक गुण हो, जो आत्मचिंतन करता है, जो भजन ध्यान करता है, जो श्वासों का जप करता है, तो प्यारे भक्तों समझ लीजिए वो समय आ गया है कि अब आपके दुखों का, समस्याओं का निवारण होने वाला है निसंदेह। और वो मिल गया संत, और वो संत या व्यक्ति आप कुछ भी कह लो, ऐसा व्यक्ति संत ही होता है, क्योंकि ये गुण जिसमें आ जाते हैं वो स्वयं सब भगवान का ही स्वरूप होता है ऐसा इंसान। तो वो मिल गया, और मिलने के बाद आप उसके सानिध्य में रहकर कहा हुआ वचन टालते नहीं हो, यानी उसके वचनों पर आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है, और जैसा वो आपको बताते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में उतारने लग जाते हो। मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको किसी के प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, और उन प्रवचनों के अनुसार आप चलना शुरू कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप पे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, और कृपा के कारण ही आपको उस आदमी के या उस संत के प्रवचन सुनने को मिले, सत्संग सुनने को मिला, और उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई और आपने उसके अनुसार अपने जीवन में उसको उतार लिया, और आप ध्यान भजन करने लगे और आपके दुख दूर होने लगे। ऐसे प्रतिदिन कमेंट भी आते हैं प्यारे भक्तों कि वीडियो को देख के हमने ये ऐसा करना शुरू किया तो हमारा जीवन बदल गया। तो आपके ऊपर ये समझ लीजिए वो समय आ गया है, भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि उसकी कृपा से ही संभव होता है ये। बगैर कृपा के प्यारे भक्तों, सामने चीज़ पड़ी होती है वो भी नहीं दिखाई देगी आपको। जब उसकी कृपा होती है तो तभी आपको ऐसा मनुष्य मिलता है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उसकी कृपा बिना तो असंभव 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 है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, बशर्ते कि आपको उस संत के संग पर, उसके प्रवचनों पर पूर्ण विश्वास हो। लेकिन किंतु परंतु नहीं, क्योंकि संत कभी भी संसार में किसी का भी बुरा नहीं चाहते, जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे मनुष्य होते हैं। प्यारे भक्तों, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया है तो आप भगवान समझकर ही उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि ऐसे मनुष्य भगवान का ही स्वरूप होते हैं, और भगवान अति अति प्रसन्न होते हैं, और आगे का रास्ता भी वो आपको अपने आप ही दिखाएंगे। तो प्रेमी भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।